Hello everyone. So today we are going to start unit number 9, biotechnology. In last videos we have covered unit number 8 and that had two chapters, chapter number 8 and chapter number 10, which are going to be there in your term 2 syllabus. And from unit number 9, both chapters, chapter number 11 and 12, are there in your term 2 syllabus. And no topic has been reduced from these chapters. These chapters are coming as a whole in your syllabus. Nothing has been reduced from these chapters. So we will start with chapter number 11. And the name of the chapter is Biotechnology, Principles and Processes. Then, सबसे पहले ये होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. बायोटेक्नोलॉजी इट इज द फील्ड, इट इज वन ऑफ द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी विल डील विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम दीज ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस. ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, ऐसी प्रोसेसेस जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो. बायोटेक्नोलॉजी इज यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, देयर पार्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन एंटिसिपेटेड, दैट हैव बीन प्रेडिक्टेड टू बी ह्यूमन यूज, दैट हैव बीन प्रेडिक्टेड टू बी यूज फॉर ह्यूमन लाइव्स, टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स. इज दिस इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसमें कि ऐसी टेक्निक जिसमें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना, उनके सेल्स को, टिश्यूज को, एंजाइम्स वगैरह को यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करना, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना जो कि ह्यूमन लाइव्स को इम्प्रूव करेंगे, जिनका प्रडिक्शन है कि वो ह्यूमन लाइव्स को इम्प्रूव करेंगे, उस टर्म को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, इन दिस सेंस. और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कर्ड यानी कि लैक्टोबैसिलस, ओके, ब्रेड और वाइन विच आर माइक्रोबियल मीडिएटेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस कुड बी थॉट ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी का ही फॉर्म है. हाउएवर इट इज यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ऐसी प्रोसेसेस जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज करती हो टू अचीव द सेम ऑन लार्जर स्केल. अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, बिग स्केल के ऊपर अगर हमें प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस, मीन्स इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर. ऐसा नहीं कि क्या नाम है, कितना भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट कितने भी अमाउंट में ले रहे हैं या फिर कोई भी एंजाइम कितनी भी अमाउंट में, एक रेस्ट्रिक्टेड, एक लिमिटेड अमाउंट सेट होता है उसका. फर्दर मैनी प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ये नई टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग नई प्रोजेनीज क्रिएट कर सकते हैं. अब वो ह्यूमंस की भी हो सकती हैं, कोई अदर ऑर्गेनिज्म जिसके भी हम लोग IVF के थ्रू प्रोड्यूस करना चाहते हैं यूजिंग स्पर्म एंड ओवा. एंड दिस टेक्निक हैज़ बीन वेरी डेवलपिंग टेक्निक एंड वेरी यूजफुल टेक्निक इन मैनी डिफरेंट एरियाज. नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. दिस IVF लीड्स टू टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एंड सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट. एक जीन सिंथेसिस करना, बनाना, फिर उसको यूज करना, डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन को. डिफेक्टिव जीन को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की इसी लाइन में समझेंगे हम लोग. एंड आर ऑल द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सबके साथ बायोटेक्नोलॉजी की एक पार्ट ही है. IVF इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और DNA वैक्सीन भी कह सकते हैं उसको. DNA वैक्सीन क्या करता है? डिफेक्टेड जीन्स को सही करता है. जैसे नॉर्मली वैक्सीन क्या करती हैं? हमें कोई डिसऑर्डर से, डिजीज से बचाती हैं, डिजीज से हमको सही करती हैं. उसी तरीके से डिफेक्टिव जीन को सही करता है कौन? DNA वैक्सीन या फिर DNA वैक्सीन या फिर करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन. तो यूरोपियन फेडरेशन ने एक डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की. तो वो डेफिनेशन कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू
एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन जो दी थी वो ये थी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डेफिनेशन क्या कह रही है कि हम लोग नेचुरल, इसमें इस डेफिनेशन का मतलब है कि नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन प्लस ऑर्गेनिजम्स का या फिर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का, उनके ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स का, उनके टिश्यूज़ का एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स। मॉलिकुलर एनालॉग्स का मतलब उनका जीनोटाइप, उसमें चेंज करना, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करना। मॉलिकुलर एनालॉग्स मतलब मॉलिकुलर बेसिस के ऊपर कुछ चेंजेस करना फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लेना अपने माइंड में, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट। अगर हम लोग देख रहे हैं पूरे पहले पार्ट में क्वेश्चन कहीं से उठता है तो ये EFB की डेफिनेशन से, और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, उनके पार्ट्स को, उनकी सेल्स को, उनके एंजाइम्स को प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि एंटिसिपेट करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द ह्यूमन लाइफ, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहला प्रिंसिपल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि केमिस्ट्री, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करना, चेंज करना, यानी कि DNA RNA में कुछ ऐसे चेंजेस करना और फिर इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देना। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दिस इन टू होस्ट एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जीनोटाइप चेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, DNA RNA में कोई भी बेस पेयर की पोजीशन चेंज कर देते हैं, कोई बेस पेयर को हटा देते हैं, कोई नया ऐड कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऑल्टरिंग में कुछ भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो उससे उसके फिनोटाइप पे फ़र्क तो पड़ेगा ही, फिनोटाइप में चेंजेस तो आएंगी, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। एकदम साफ सुथरी भाषा में समझ आ रहा होगा कि ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल such as DNA or RNA to introduce these into host organisms and thus changing the phenotype of host. Phenotype मतलब बाहरी नक्शा चेंज हो जाता है होस्ट का, जीनोटाइप तो हो ही रहा है, अगर हम उसको ऑल्टर करें तो जीनोटाइप तो चेंज हो ही गया, साथ में फिनोटाइप पर भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, स्टीराइल एम्बियंस को मेंटेन करना, स्टीराइल कंडीशंस को मेंटेन करना, मतलब कोई माइक्रोब नहीं रहना चाहिए आसपास, एक ऐसी कंडीशन मेंटेन करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पे माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट बनाना। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि हम जो चाहें वही माइक्रोब ग्रो करें, और यूकैरियोटिक सेल, कोई सेल भी ग्रो कर सकते हैं। इन लार्ज क्वांटिटी, एक बड़े स्केल के ऊपर उसको प्रोड्यूस करना, ग्रो करना, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ताकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एंजाइम्स। हमने सुना था कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ी थी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाई गई है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से पहले एक ऐसी स्टेराइल कंडीशन क्रिएट करो, फिर वहाँ पे ग्रो करो लार्ज क्वांटिटी में, जो आप डिजायर्ड माइक्रोब या सेल चाह रहे हो उसको ग्रो कर लो, किसके लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में वैक्सीन्स भी आ सकती हैं, एंटीबायोटिक्स भी आ सकते हैं, एंजाइम्स भी आ सकते हैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ के हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए नहीं बनी है, इसके थ्रू हम लोग क्रॉप में इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, हम लोग अदर फील्ड्स को भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द, हम लोग कुछ डेवलपमेंट जो हुए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो देख लेते हैं, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हम लोग
प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट्स है वो देखेंगे। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल, के बजाय हम लोग सेक्सुअल को ज़्यादा एडवांटेज देते हैं या फिर उसके एडवांटेज को हम लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहती है, सेव रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फॉर्मर है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस, उसकी वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस की उम्मीद होती है आने की, वहाँ अपॉर्चुनिटीज होती है वेरिएशंस आने की, चेंजेस आने के। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, नए से नए कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल में नहीं बनाए जा सकते। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल, कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। अगर हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ बेनिफिशियल भी होंगे तो कहीं ना कहीं हार्मफुल कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं वो चेंजेस जेनेटिक सेटअप में, कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रिजर्व करता है, वाइल द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। हम लोग बोले ना कि प्रिजर्व कौन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो बस जैसी थी वो वैसी ही ट्रांसफर होती रहेगी। आगे तक की जनरेशन सेम की सेम टू सेम क्लोन्स बनेंगे, मतलब कॉपी होगा एकदम एग्जैक्ट कॉपी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे प्रोजेनी में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल में क्यों चेंजेस आते हैं? क्योंकि ये वेरिएशन को परमिट करता है, परमिशन देता है चेंजेस आने के लिए। जेनेटिक सेटअप में चेंजेस हो सकते हैं आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद डिजायरेबल। अगर डिजायरेबल जीन्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो साथ में अनडिजायरेबल भी ग्रो करेंगे। अगर हमने एक ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट ही प्रोवाइड कर दिया कि सिर्फ वहाँ डिजायरेबल ही ग्रो करे तभी तो हो पाएगा ऐसा। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में ग्रो कर रहे हैं तो दोनों ही ग्रो करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर होता है ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है। सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल ना ग्रो करें इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिमिटेशन को हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्रिएशन हुआ, आविष्कार हुआ, जो क्या इंक्लूड करता है जीन क्लोनिंग को और जीन ट्रांसफर को। दैट अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। हम सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा, अनडिजायरेबल डालने की जरूरत ही नहीं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने जो हमारे लिए एक बून की तरह साबित हुई, एक आशीर्वाद, एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट है। डू यू नो द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, अगर हमने जो पीस ऑफ डीएनए उसका क्या होगा, फ्यूचर क्या है उसका, अगर हमने पीस ऑफ डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म में कैसे भी करके कोई भी तरीके से हमने ट्रांसफर कर दिया एलियन ने, तो वो पीस ऑफ डीएनए अगर एलियन ऑर्गेनिज्म में गया और वो उसके जीनोम से अटैच नहीं हो पाया तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे ऑर्गेनिज्म में, उसके फेनोटाइप में, उसकी प्रोजेनी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो बाय मिस्टेक या फिर किसी भी तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है जीनोम ऑफ रेसिपिएंट जिसने रिसीव किया है, जिसमें डाला गया डीएनए, अगर उसके रेसिपिएंट की बॉडी में, जीनोम में कैसे भी करके वो वहाँ पे जुड़ जाता है एंड इट में मल्टीप्लाई, तो फिर वो वहाँ मल्टीप्लाई करने की आशंका है, वो मल्टीप्लाई कर सकता है, क्लोन कर सकता है, खुद की कॉपीज बना सकता है, इनहेरिट अलोंग विद द होस्ट डीएनए, उसकी प्रोजेनी में भी इनहेरिट हो सकता है होस्ट डीएनए की प्रोजेनी में। आगे आने वाले जो उसके प्रोजेनी डीएनए होंगे, नए जो डीएनए बनेंगे उनमें भी वो होगा। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वो उसके क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका है, तभी ऐसा हो पाएगा। अगर वो नहीं इंटीग्रेट हो पाया, अब वो क्रोमोसोम में भी कहाँ इंटीग्रेट होगा, अगर क्रोमोसोम का पार्ट बन गया तो रेप्लिकेट भी कर लेगा, उसके पास क्षमता हो जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगी रेप्लिकेट करने की, अगर जीनोम से अटैच हो गया तो, इंटीग्रेट हो गया तो, नहीं हो पाया तो फिर वो वैसे ही पड़े रहेगा। तो इन्हें क्रोमोसोम देर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, तो क्रोमोसोम में भी एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस भी अटैच होना चाहिए, कहाँ पे, ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए। वर्ड टू वर्ड एकदम क्लियर समझ आ रहा है, एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे।
एकदम ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और दिमाग में बिठाते जाओ, एकदम स्टोरी जैसा ही। ठीक है, तो क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम में अगर वो एलियन पीस ऑफ डीएनए अगर क्रोमोसोम में कहाँ अटैच हुआ, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे, जिनको ओआरआई बोला जाता है, जो रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, अगर वहाँ अटैच हुआ तो वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा और इनहेरिट भी हो जाएगा होस्ट के डीएनए में। देयर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए नॉन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्रोमोसोम का पार्ट होना बहुत जरूरी है, विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। दस द एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन सो दैट दिस डीएनए पीस, दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लीकेट एंड मल्टीप्लाई इट सेल्फ इन होस्ट, और वो होस्ट में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा, रेप्लीकेट कर लेगा, कॉपीज बना लेगा। दिस इज नॉन एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। ये कुछ टर्म्स हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का मतलब अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लीकेशन। जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग इज द कॉपिंग और मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल डीएनए बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू द, इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ टू द क्रोमोसोम और टू द ओआरआई ऑफ क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं क्लोनिंग, और होता है जीन ट्रांसफर। लेट अस नाउ फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहला कैसे बना था? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग है जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये सबसे पहला कब पॉसिबल हो पाया था? जब हमने एक जीन को लिंक किया जो कि किसके लिए कोड करता था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक अगेंस्ट जो जीन रेजिस्टेंस शो करता था उसके हमने लिंक कर दिया एक जीन को, जब लिंकिंग है जीन एनकोडिंग, जब हमने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तभी इमर्ज हुआ था जब पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग, जोड़ने की पॉसिबिलिटी हो पाई थी अ जीन, लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या होता है? प्लास्मिड डीएनए क्या होता है? ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एक डीएनए ही होता है जो कि सर्कुलर होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। किसके? सेलमोनेला टाइपेरियम। तो जब एक जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोड करता था उसको जब लिंक किया गया सेलमोनेला टाइपी के प्लाज्मिड से, तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर एकम्प्लिश्ड इन 1972 उन्होंने ये बात बताई थी, बाय आइसोलेटिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक जीन को आइसोलेट किया बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से उस डीएनए के पीस को कट आउट कर लिया विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उसको उस प्लाज्मिड से कट कर लिया। और ये जो कटिंग डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल। अब ये कटिंग कैसे की उन्होंने? उनके पास ऐसे कौन सा हथियार था जिससे उन्होंने कटिंग कर ली? ये कैसे पॉसिबल हो पाई थी? विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर कैची, मोलिकुलर सीजर, और उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ही ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट हो पाया था डीएनए, डीएनए की कटिंग हो पाई थी। सो द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड, फिर उस कट पीस ऑफ डीएनए को लिंक किया जाता है प्लाज्मिड डीएनए के साथ। प्लाज्मिड डीएनए एक टैक्सी की तरह काम करता है, एक वेक्टर की तरह काम करता है, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड, जो डीएनए का पीस उसके पास अटैच है उसके ऊपर चिपका दिया गया, उसको वो ट्रांसफर करेगा, एक होस्ट से लेगा उसके, हम लोग क्या करेंगे, एक होस्ट से डीएनए कट करेंगे, उसको प्लाज्मिड में चिपकाएंगे, वो टैक्सी उसको उठा के लेके जाएगी दूसरे होस्ट में। एक जगह से हमने कहीं से भी कोई भी सोर्स ले लिया, उससे कट किया, उसको प्लाज्मिड पर चिपकाया, टैक्सी के अंदर बिठा दिया उसको, लेबर टैक्सी ले जाए इसको, वो ले जाती है दूसरे होस्ट में, उसको किसी होस्ट में ले जाती है, वहाँ जाके वो इंटीग्रेट हो जाता है। अब वो लाइगेट इंटीग्रेट चिपकता कैसे है, जुड़ता कैसे है दूसरे पीस ऑफ डीएनए से, वो देख लेते हैं। यू प्रोबेबली नो, कहाँ थे भैया? दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स, यहाँ पे थे। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वैक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, उसको वैक्टर की तरह काम करते हैं, टैक्सी की तरह काम करते हैं, जैसे कि मैंने समझा दिया। यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वैक्टर, जैसे कि मॉस्किटो इंसेक्ट वैक्टर की तरह काम कर रहा था ना, किस में? मलेरिया में। मलेरिया में क्या हो रहा था? मॉस्किटो के अंदर स्पोरोट्स गट में प्रेजेंट थे, वो फटाक से ह्यूमन्स की बॉडी में जा रहा था और पहुँचा रहा था,
फिर गले में तैयार हो रहे थे, फिर पहुंचा रहा था। और ह्यूमन एक होस्ट की तरह भी काम कर रहा था दूसरी ओर, जब उसकी बॉडी के अंदर आधी साइकिल तो वो ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट करते हैं, आधी मच्छर की बॉडी में, समझ आ रहा है? तो वैसे ही ये टैक्सी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हमको उसको अटैच करना है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर से कैसे हमने उसको लिंक कर दिया? ऐसा कौन सा हथियार था जिससे हमने उसको जोड़ दिया? मैंने कहा ना कि हम लोग डीएनए को चिपका देते हैं, वो ले जाता है। अब चिपकाने के लिए हमको कोई कुछ तो चाहिए होगा। तो प्लाज्मिड डीएनए बिकेम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? कट पार्ट ऑफ डीएनए, जो एंड्स होते हैं उनको जोड़ता है। तो डीएनए लाइगेज विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स, उनके एंड्स को जोड़ता है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। अब वो प्लाज्मिड, क्योंकि अब उसमें एक नई चीज ऐड कर दी गई है, तो वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएट हो गया, नया कॉम्बिनेशन वाला, नए कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन का, नए कॉम्बिनेशन का, ये देखिए नए कॉम्बिनेशन का सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो, विट्रो में क्रिएट किया गया, और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना दिया। जब इस डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है इकोलाई में, इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, एश्केरिया कोलाय, एश्केरिशिया कोलाय, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सेल्मोनेला टाइफी। तो इट कुड रेप्लीकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए, नए होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेगा, वहां पे वो रेप्लीकेट कर लेगा, मल्टीपल कॉपीज बना लेगा उस डीएनए की, वो जो एलियन डीएनए की, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट तो बन ही चुका है, अब वो नई कॉपीज बना लेगा। दिस एबिलिटी ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो कैसा जीन था, क्या कोड कर रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, वाज कॉल्ड क्लोनिंग। इसको बोलते हैं, इस मल्टीपल कॉपीज बनाने के तरीके को बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। यू कैन हेंस इन्फर दैट देर आर थ्री बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो आपके पास तीन स्टेप चाहिए होंगे, तीन स्टेप फॉलो करने होंगे आपको। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करो, एक डिजायरेबल डीएनए को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, यानी कि एक डीएनए में डिजायरेबल जीन्स को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट, और फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में डालो, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, उस इंट्रोड्यूस डीएनए को मेंटेन करो होस्ट की बॉडी में, कहीं उसके कुछ नुकसान ना पहुंच जाए, उसको मॉनिटर करते रहो कॉन्स्टेंटली, उसको मेंटेन करते रहो, और फिर ट्रांसफर द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, एंड देन ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, और फिर उसके बाद जब वो मेंटेन हो जाएगा उसकी बॉडी में, जब वो कॉपी मल्टीप्लाई करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, होस्ट डीएनए बनते रहेंगे, तो फिर वो उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर हम लोग वहाँ देख पाएंगे कुछ चेंजेस, ठीक है। तो ये था हमारा जेनेटिकली मॉडिफाई करना एक ऑर्गेनिज्म को कैसे पॉसिबल हो पाए। इसमें कुछ टर्म्स आई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें कुछ टर्म्स आई जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर सीजर दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये कुछ टर्म्स थे प्लाज्मिड, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से भी पहले, मतलब इस यूनिट की स्टार्टिंग में हर्बर्ट बॉयर के बारे में कुछ दिया हुआ है। ये हर्बर्ट बॉयर, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक बार इसको एक बार ऐसे ही रीड कर लेना, है ना, कि 1963 में बॉर्न हुआ था, इसने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरियम स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज उसने स्टडी की थी, कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर ऑफ इकोलाई जो वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो डीएनए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज, बॉयर ऑब्जर्व दैट दीज एंजाइम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स पर्टिकुलर फैशन में, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना, विच लेफ्ट व्हाट हैज द बिकम नोन एज स्टिकी एंड्स और स्ट्रैंड्स, अब स्टिकी एंड्स बन चुके हैं। दीज क्लिप्ड एंड्स मेड पेस्टिंग टूगेदर पीसेज ऑफ डीएनए प्रिसाइज एक्सरसाइज, ठीक है। फिर इसके इसने क्या क्या किया, दूसरा, कोहेन हेड स्टडिंग मीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स विच कैन फ्लोट अबाउट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एंड ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फॉर्म कोडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए।
तो कोहेन ने भी क्या किया, बॉयर ने क्या किया, दोनों की दी गई है। ठीक है, तो इस डिस्कवरी पे एक बार नज़र मार लेना, ताकि आप लोगों को समझ जाए इन दोनों ने क्या किया। और यहाँ पे वो ईयर लर्न रखना, दिमाग में रखना, 19, ये देखिए 72, इन्होंने 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कहाँ से किया था? डीएनए, इस तरीके से। ठीक है,